चलिए देखिए, मैं आप लोगों के इक्वेशन का स्वाब जान चल रहा हूँ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और इन वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक्स अपान फोर, ए प्लस का एक्स अपान फाइव है ना, उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपान फाइव अब इक्वल टू, बाकी प्लस का वन जैसे ही वैसे यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब करना क्या है, ये आपका एक्स पान फोर माइनस एक्स पान फाइव दोनों वेरिएबल ही है, तो दोनों हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। फोर फाइव का एलसीएम क्या होता है बेटा, 20। तो देखिए बाकी आप फ्रैक्शन तो जानते ही हैं, तो फोर का टेबल करिए, 20 ज़्यादा जाने पर कितने बढ़ जाएगा, फोर फाइव या 25 बढ़ गया ना, तो फाइव का मल्टीप्लाई अगर हम एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स बाकी माइनस फाइव फोर या 20 फोर बढ़ गया, फोर का मल्टीप्लाई हम एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स बराबर। ठीक, अब करना क्या है, ए वन जैसे वैसे यहाँ पर रहेगा ये। ठीक, प्लस वन ना। अब देखिए करना क्या है, फाइव एक्स माइनस फोर एक्स, फाइव एक्स में से अगर हम फोर एक्स माइनस करें तो क्या बचेगा, ओनली एक्स अपान 20 बाकी है वन प्लस वन। ठीक है, अब करना क्या है, एक्स को रोकेंगे, अभी 20 वन जैसे वैसे ही रहेगा, अभी 20 आपका अपान में है, डिवाइड में है ना, डिवाइड को अगर हम उस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा, यानी कि 1 × 20। अब एक्स का मल्टीप्लाई अगर हम 20 में, वन का मल्टीप्लाई अगर हम 20 में करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर। ठीक, मैं अब है स्टडी जूम क्लासेस, थैंक यू।